सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, मिलेट को धोना। एक बार नहीं, दो से तीन बार अच्छे से पानी से वॉश करना है इसे। ना अच्छे से हाथ से थोड़ा सा मसल भी सकते हैं ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। अच्छे से इसको मसलने के बाद इसका हम पानी निकाल देंगे एक बार, और फिर से एक बार और पानी, फिर दूसरी बार पानी, फिर तीसरी बार पानी, और फिर उसके बाद इसको 10 गुना पानी में भिगोकर 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। सरसों का तेल सबसे अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो इसलिए मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे घी में बना सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है कुछ खड़े मसाले, जो कि तेज पत्ता, बड़ी मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च है। तो एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 2 से 3 साबुत काली मिर्च। इसके बाद अगला है हींग। तो हींग डालूंगी मैं, क्योंकि मैं इसमें दाल डालने वाली हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसमें दाल डालेंगे। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद अगला है कि इसमें थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते होने देंगे। ये सौते होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो पक जाए और अच्छा स्वाद दे। इसके बाद थोड़ा सा देर सौटे करेंगे। सौटे होने के बाद, क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं और खिचड़ी में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट होता है घिया, जिसे हम बॉटल गॉड बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, तो मैंने बहुत सारी ली है बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। और जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे को मटर बहुत पसंद है क्योंकि मैं सब्जियां बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसको अब फिर से हम अच्छे से सौते करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे ही डाल के भी उसको बना सकते हैं, पर अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप इसे ज़रूर थोड़ी देर के लिए सौते करें, भूनें, जिससे इसका स्वाद और निखर के आए और आपको स्वादिष्ट लगे। इसके बाद अब हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हरा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला या कोई भी मसाला घर पे बना हुआ जो आप इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। अभी मैं मसाले और सब्जियों के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा अमचूर भी अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे अच्छे से भूनें और खूब भूनें। अच्छे से तब तक भूनें जब तक आपको ऐसा लगे कि सब्जियाँ हल्की सी पकने लगी। सब्जियों को भूनने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि स्वाद अच्छा आए, बेहतर आए, कचास ना लगे, गिलगिला ना लगे, वो उबला हुआ ना लगे। तो उबला हुआ स्वाद ना आए, इसके लिए हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से भुन गई हैं और बहुत ही अच्छा स्वाद, खुशबू दे रही हैं। और अब अगला स्टेप है, मैंने मिलेट का पानी अलग निकाला हुआ है और मिलेट को छाना है, और ये वही पानी है जिसमें मैंने उसको भिगोया था, क्योंकि इस पानी में सारा इसका न्यूट्रिशन है, इसलिए कभी भी इसको फेंकना नहीं है आपको। और मिलेट को छान लें दूसरे बर्तन में। अब हम इसमें मिलेट डालेंगे, जो भी ये फॉक्सटेल मिलेट है, मैं फॉक्सटेल मिलेट की खिचड़ी डालने वाली हूँ। तो अब हमने इसमें फॉक्सटेल मिलेट डाल दिया है और हम इसको फिर से भून रहे हैं, और भूनने से स्वाद बेहतर होता है। तो अब क्योंकि हम खिचड़ी बनाएंगे, इसलिए ज़रूरी है खिचड़ी में थोड़ी सी दाल डालना। तो ये मैंने धुली हुई छिलके की दाल भिगो रखी थी, इसको मैंने छान लिया है, और अब मैं इसको इसके हिसाब से, जितना फॉक्सटेल मिलेट था उसके हिसाब से इसमें डालूंगी। तो मुझे लगता है बराबर मात्रा में डालेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल बराबर मात्रा में जितना मिलेट है उतनी ही दाल डालें। दाल डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से भूनें।
जितना भूनेंगे उतना स्वाद आएगा, इसलिए और भूने, अच्छे से भूनते रहें। आप देख पा रहे होंगे ये भून रहा है, इसमें से पानी जा रहा है और इसका फ्लेवर बढ़ रहा है। अब ये सारा अच्छे से भून चुका है तो अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो ये पानी वही पानी है, 10 गुना पानी जो हमने मिलेट भिगोया था जिसमें, और इस पानी को हम सारा का सारा डाल देंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मिलेट इतना फूलता है कि ये पूरा का पूरा पानी सोख लेगा। अब आखिर में आते हैं, क्योंकि हमने शुरू में बहुत कम नमक डाला था, मिलेट के हिसाब से नहीं डाला था, खिचड़ी के हिसाब से नहीं डाला था। अब हम इसमें और नमक डालेंगे। मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ, सेंधा नमक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो सेंधा नमक डालें अपने स्वाद अनुसार। आप चाहें थोड़ा सा अमचूर और डाल सकते हैं, अगर आपको स्वाद में थोड़ी खटास पसंद है। कोई मसाला जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, जैसे गरम मसाला। और अब ये बिल्कुल बंद करने के लिए कुकर तैयार है, पूरी तरीके से ये हम बना चुके हैं। अब इसका ढक्कन लगाएं और सीटी आने दें। इस तरह ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी तक बनने दें और फिर 5 मिनट के लिए कम पे गैस को रखें, जिससे वो अंदर से पूरी तरीके से फूल जाए। ये मिलेट तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया खिचड़ी लग रही है। इसे हम देखिए एकदम फूल गया है मिलेट। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं अगर अच्छा लगता हो, और ये बिल्कुल तैयार है।